So let's start our class. Adjective, an adjective is a word to modify noun or pronoun. Adjective वो लफ्ज़ होता है जो किसी noun or pronoun को modify करे उसकी वजाहत करे. So we can say that that word words who explain the noun or pronoun is called adjective. So come to the next slide. There are many kind of adjective, but I will present only six kind of adjective which are here. Adjective of quality. First of all, I will present to you adjective of quality, showing the kind and quality of a noun or pronoun. ये जो adjective of quality ये किसी noun का की quality को जाहिर करता है. Kind and quality of a noun कि वो किस किस्म का है, उसकी मिकदार को जाहिर करता है, उसकी क्वालिटी को जाहिर करता है. दूसरा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. व्हेन दैट व्हिच एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जिसमें कोई सवाल यानी जिसमें कोई सवाल पूछा गया वो एडजेक्टिव, उसे एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. Adjective of quantity. Adjective of quantity show the quantity of a thing. Adjective of quantity जो होता है वो किसी चीज की खुसूसियत जाहिर करता है. For example, I like Iranian carpet. ये इसकी quantity है, इसकी मिकदार है कि वो किस मिकदार का है, इसकी वो अच्छा है या बुरा, उसकी अच्छी है वो, उसकी quantity अच्छी है या बुरी, ये इसका जाहिर करता है. Numeral adjective which express the number of person or thing. For example, there are 58 boys in class 9. Class 9 में 58 लड़के, ये numeral adjective को जाहिर करता है, number of adjective है. Adjective of quantity. Adjective of quantity show the quantity of thing. किसी चीज के quantity को जाहिर करने के adjective को adjective of quantity कहते हैं. Distributive adjective express the distributive state of a noun. ये कि noun का जो distributive state होता है उसको जाहिर करता है. हम इसके examples पढ़ेंगे, उसमें हमें सही से समझ जाएगा कि ये क्या है. नंबर 6 है पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो किसी चीज की मलकियत को जाहिर करता है. पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन शो द पोजीशन ऑनरशिप. ये किसी चीज की मलकियत को जाहिर करता है. फॉर एग्जांपल माय हर इट इज देयर आर पॉजिटिव प्रोनाउन. ये पॉजिटिव प्रोनाउन है. फॉर एग्जांपल दिस लैपटॉप इज माइन. ये मेरी लैपटॉप है. सो इसने मेरी पोजीशन को जाहिर किया कि इस पर मेरी मलकियत है. सो ये इसके एग्जांपल्स हैं. सबसे पहले एग्जांपल ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव क्वालिटी के मिसाल है द रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर. गुलाब एक खूबसूरत फूल है. ये इसकी क्वालिटी है कि वो खूबसूरत है या बदसूरत है. इसकी क्वालिटी है कि गुलाब एक खूबसूरत फूल है. सो ये इसकी क्वालिटी है. नंबर दो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हिच कलर इज यू न्यू व्हिच कलर इज योर न्यू कार. आपकी नई गाड़ी का कौन सा कलर है. सो जिस भी एडजेक्टिव में WH क्वेश्चंस उसमें कोई सवाल पूछा गया हो. फॉर एग्जांपल व्हिच कलर योर न्यू कार. आपकी नई गाड़ी का कौन सा कलर, इसमें एक सवाल पूछा गया है. सो इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. न्यूमेरल एडजेक्टिव देयर आर 58 बॉयज इन क्लास 9. फॉर एग्जांपल क्लास 9 में 58 बॉयज है. ये इसकी नंबर को जाहिर करता है. सो वी कैन से दैट इट्स नंबरल एडजेक्टिव बिकॉज इट रिप्लेस नंबर ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट्स. सो ये नंबरल एडजेक्टिव हुआ. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नेदर ऑफ द टू गर्ल्स इज टेलिंग द टू दो लड़कियां कभी सच नहीं बोलती है. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है. क्वांटिटी अली ड्रिंक्स आर द वाटर. क्वांटिटी एक मिकदार है कि अली ने पूरी पानी पी ली. उसने अधिक पी ली या पूरी, ये एक मिकदार है. इसे एक मिकदार होता है क्या कि उसने कितनी पानी पी ली. दिस इज माय बुक. ये मेरी किताब है. पोजीशन को जाहिर करता है. पॉजिटिव एडजेक्टिव है. पॉजिटिव प्रोनाउन भी आता है. पॉजिटिव एडजेक्टिव भी. ये इसने
मुल्कियत को जाहिर किया कि ये मेरा किताब है, सो इट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव. सो वंस मोर वी विल रिवाइज इट दैट एडजेक्टिव. Adjective is a word that modify a noun or pronoun, or we can say that describe, that explain a noun or pronoun. Adjective वो लफ्ज होता है जो किसी noun or pronoun की वजाहत करे. For example, in मिसाल तो हम इसकी वजाहत कीजिए कि रोज जो है वो उसकी क्या quality है, वो खूबसूरत है या बदसूरत, उसकी smell अच्छी है या बुरी. और दूसरी interrogative है which जिसमें जिस जुमले में भी कोई क्वेश्चन विच कलर इज योर न्यू कार, जब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव उस एडजेक्टिव को कहते हैं कि जिसमें एक सवाल पूछा गया हो, चाहे वो डब्ल्यू एच से शुरू हो या जिस से भी शुरू हो. न्यूमेरल जिसमें नंबर को, हम न्यूमेरल में हम नंबर को जाहिर करते हैं. न्यूमेरल निकला भी डिराइव भी नंबर से हुआ है, और इसमें हम नंबर जाहिर करते हैं कि कितनी तादाद है. और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिटी और पॉजिटिव, ये थे एडजेक्टिव जिसको हमने पढ़ लिए. इसकी एग्जांपल्स थे. सो थैंक यू फॉर वाचिंग. सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ ग्रेट प्रेजेंटेशन.